नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। तो लीजिए, एक बार फिर सुबह सुबह हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। आप जब टीवी का रिमोट उठाते हैं और इस वक्त टीवी ऑन करते हैं, हरियाणा न्यूज लगाते हैं, तो आपके जहन में यही होता है कि कब किस्मत कनेक्शन शुरू हो और हम अपने सवाल पूछना शुरू करें। तो फोन लाइन खोलने जा रहे हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, द फेमस टैरो कार्ड रीडर रंजना राणा। रंजना जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और रंजना जी आपको बताने जा रही हैं आपके दिन के बारे में या उन तमाम सवालों का जवाब जो आपके जहन में है, शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी तरह का पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, फोन लाइन्स खुली हुई हैं और तब तक हम अंकों के जरिए आगे बढ़ेंगे। एक अंक वाले सबसे पहले इनका नंबर आ जाता है। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये बताने जा रही हैं टैरो कार्ड के जरिए रंजना राणा जी। एक नंबर एक वालों का दिन आज बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका जो कार्य क्षेत्र में है उनको बहुत सफलता मिलेगी, मगर थोड़ा उनको संयम बरतना पड़ेगा और थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। और उनको अगर दो रोटी और गुड़ गाय को देंगे उससे उनका आज का दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। उनका आज का रंग है सफेद और उनका अंक है नंबर दो। चलिए, तो याद रखिएगा सफेद आपका आज का लकी कलर होने वाला है और अंक आपका नंबर दो है। भले आप एक नंबर वाले हैं लेकिन दो आज इनका लकी नंबर होने जा रहा है। जी चलिए, फोन करते रहिए जरूर, मौका मत चुकिए, कार्यक्रम आपका है। ये मौका मिला है आपको कि सुबह सुबह ही आप कैसे प्लान कर लें कि पूरा दिन कैसे एकदम स्मूथ तरीके से निकल जाए, आपका काम भी बन जाए, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो और अगर कोई ऑब्स्टेकल आए भी तो उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे पार पाएंगे ये भी बताएंगे हम आपको टैरो कार्ड के जरिए। नीलम जुड़ी है, गुड मॉर्निंग नीलम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं ना अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी। बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 फरवरी 1988। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हम देखते हैं आपकी जो बेटी है नीलम जी, उसका जरूर बहुत जल्दी जो है उसका नौकरी लगने वाली है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप जब सूर्य को जल देना रोज शुरू कर दीजिए और डेफिनेटली आप देखिए कि महीने के अंदर अंदर उसको एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी ही मिलेगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और जो उपाय रंजना राणा जी आपको बता रही हैं उस पर एक बार गौर कीजिए, जरूर किस्मत यहाँ पर आपका साथ देगी अगर आप इस तरह के उपाय कहते हैं कि जब तक हाथ ना उठाओ तो निवाला भी मुंह तक नहीं जाता, तो कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, नीलम की तरह आप भी जुड़े और अपने पूरे दिन को एक सुदृढ़ तरीके से सजाने के लिए शुरुआत कीजिए। अमन जुड़ गए हैं, अमन जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए बोलिए सर। अमन आप हमारे साथ हैं फोन पर? चले, संपर्क नहीं बन पाया इनके साथ। तब तक हम दो अंक वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं। रंजना, हाँ जी, दो अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि उनके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जितनी भी आर्थिक प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बाधाएं अब कम होने लग जाएंगी उनकी डेफिनेटली, मगर अभी भी उनको खर्च बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, उनको एक बजट बना के चलना होगा, उससे उनकी जो मैटर्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेटली वो ये है कि मंगलवार वाले दिन कोई भी तांबे का बर्तन दान करें, उससे उनको बहुत सफलता मिलेगी। उनका जो अंक है वो है 3 और उनका जो रंग है वो है पीला। चलिए, राकेश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बोलिए। मैडम जी, राशिफल के बारे जानना चाहता हूँ। सर एक बार दोहराइए। मैडम जी, जीवन के बारे जानना चाहता हूँ, काम थोड़ा मंदा है रहता है जी। काम मंदा रहता है, जीवन के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जो पता नहीं वो याद नहीं है। चलिए, कार्ड्स के जरिए देखा जा सकता है क्या रंजना? हाँ जी, हाँ जी जरूर,
इनके जो इस हिसाब से प्रश्न लग्न के हिसाब से हम देख रहे हैं जी। इनका हम देख रहे हैं इनका कार्य जो नहीं हो रहा है वो ये थोड़ा सा आलस है इनके अंदर, उनको थोड़ा सा अपना आलस से बचना पड़ेगा और उनको बहुत ही ज्यादा अपना योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा तो डेफिनेटली इनको सफलता मिलेगी। इनको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काले तिल, चावल और शक्कर इक्वल क्वांटिटीज में रोज डालना शुरू करें पेड़ के नीचे 2 और 6 बजे के बीच में, जरूर 45 दिन के अंदर इनका काम अवश्य बनेगा। चलिए तो इनकी तरह भी आप भी जुड़िए किस्मत कनेक्शन में, जानिए कि आज आपका किस्मत कहाँ जाकर कनेक्ट करेगा, उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, किस तरह से आप अपने तमाम प्रॉब्लम से तमाम मुश्किलों के साथ निपट सकते हैं, उबर सकते हैं। अगर रात भर आप सोए नहीं है किसी परेशानी की वजह से कि आज का दिन आपको सताने वाला है, परेशान करने वाला है, तो जरूर जुड़िए और यहाँ पर आपको उपाय निश्चित तौर पर मिलेगा। रंजना राणा हमारे साथ मौजूद है, आपको लगातार बता भी रही है तो इस मौके का फायदा उठाइए। तब तक 3 अंक वालों के लिए, रंजना जी 3 अंक मेरा भी है तो मेरे अंदर ज्यादा उत्सुकता है ये जानने के लिए कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपका बहुत ही लकी है, कोई भी आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई भी जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप डेफिनेटली इसमें ट्राई कीजिए और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का जो रंग है आपके लिए वो है लाल और आपका जो अंक है लकी अंक है वो है 9। चलिए बहुत शुक्रिया रंजना जी के साथ लगातार जुड़ते रहिए। पूजा हमारे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा पूजा आवाज पहुंच रही है आप तक? पूजा जी सुन पा रही है आप मुझे? हेलो गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए मैम गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/9/1993। ठीक है 9/9/1993 जी। सवाल पूछिए मैडम। मेरा सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी और कैसा परिवार मिलेगा? शादी कब होगी और कैसा परिवार मिलेगा? हम देख सकते हैं कि आपकी शादी जल्दी होने वाली है। हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली जुलाई महीने में आपको बहुत ही अच्छा प्रपोजल आएगा, उसमें आप अपने आप को पॉजिटिवली देखें और जुलाई महीने में आपकी सगाई हो सकती है और अक्टूबर महीने तक आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। उसके लिए बृहस्पतिवार वाले दिन 2 बेसन के लड्डू मंदिर में रखना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपकी जो शादी है अक्टूबर तक हो जाएगी। चलिए यानी कि इसी साल इनकी डोली उठेगी, जो इनकी चिंता है तो चिंता के भाव अब हटा दीजिए। निशा जुड़ गई है, निशा नमस्कार। नमस्कार गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए मैम। मेरे बेटों पर तो 10/1998 है और बर्थ प्लेस मेरा जयपुर है और बर्थ टाइम मेरा मैम 3/3/2003 जी। डेट ऑफ बर्थ सुन पाई हैं? एक बार अपनी जन्म तारीख दोहराइए निशा जी, जन्म तारीख दोहराइए एक बार। हाँ 10/1988। ओके सवाल पूछिए मैम। मुझे सवाल पूछना है कि मेरी शादी कब होगी और मेरी शादी मतलब घर से कितनी दूर होगी, 100 किलोमीटर पे या 200 के कहाँ आस पास ही होगी या फिर दूर होगी जी? कब तक हो जाएगी शादी के लिए काफी परेशानी आ रही है। बिल्कुल शादी कब तक होगी और कितनी दूर होगी? इनकी शादी हम देख सकते हैं इस साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए और इनकी जो शादी है वेस्ट साइड में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जहाँ पे भी ये रह रही हैं वहाँ से वेस्ट साइड होनी चाहिए। तो जो भी इनको शादी है इनकी इस साल के अंदर अंदर डेफिनेटली हो जाएगी। इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको बस अपना मंत्र जाप करते रहिए। सोमवार वाले दिन ये अपना व्रत रखें, शिव जी की पूजा करें और डेफिनेटली इनकी साल भर के अंदर अंदर शादी हो जानी चाहिए। चलिए तो शिव जी की आराधना में जुट जाइए, साल भर के भीतर शादी की जो आपकी ये प्रॉब्लम है कि नहीं हो पा रही है, दूर होगी नजदीक नहीं होगी, ये इन तमाम सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। इनकी तरह आप भी जुड़िए, आप भी सवाल पूछिए, ये बहुत बेहतरीन मौका है। सुबह सुबह हम ये कार्यक्रम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि सुबह ही आप अपने पूरे डे को पूरे दिन को प्लान कर सके। हम तब तक 4 अंक वालों के लिए देख लेते कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, लेकिन आप जुड़ते रहिए, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। 4 अंक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा रंजना? 4 अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। हस्बैंड वाइफ है जो पार्टनर्स हैं इनके, उनसे इनको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा इनको इनका तालमेल बना रहेगा। मगर हाँ थोड़ा सा जहाँ प्रेम संबंध है वहाँ थोड़ी सी टेंशन आ सकती है, इसे थोड़ा पेशेंस बरते और डेफिनेटली जो भी टेंशन आएगी उसको आप आराम से सुलझा सकते हैं। और आज का दिन सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इनका जो आज का रंग है वो है ग्रीन और इनका जो अंक है वो है 5। लगे 5 अंक वालों के लिए भी देख लेते हैं कि आज का दिन उनके लिए कितना फलदायी सुखदायी रहने वाला है या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उसके उपाय भी होंगे रंजना के पास।
हम देखते हैं जितने लोगों के जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, जो भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आज का दिन वो इसमें अगर जाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपने लॉयर्स के साथ, उसमें इनको बहुत ही अच्छा लूपहोल्स जो होंगे वो पता चलेंगे। तो आज का दिन ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा, जितने भी बिजनेस वाले हैं उनके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो आप ठीक होने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। और आज का रंग इनके लिए है पिंक और इनका जो लकी अंक है वो है नंबर 6। चलिए, तो अभी तक हम 5 अंकों के बारे में जान चुके हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा जाने वाला है, क्या उपाय उन्हें करने होंगे अपने काम को बनाने के लिए। इस तरह अंकों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार आपको बता रहे हैं बहुत खास मौका है आपके पास, मत चूकिए, फोन उठाइए, सवाल पूछिए, किस्मत कनेक्शन के इस प्रोग्राम में जुड़कर जानिए कि आपका किस्मत कहाँ कनेक्ट करेगा, जाके किस तरह की संभावनाएं हैं इस पूरे दिन भर में आपके काम के बनने की। अगर परेशान है किसी भी चीज को लेकर तो सवाल पूछिए, बेझिझक पूछिए, यहाँ पर आपको आपकी हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। टैरो कार्ड के जरिए, अंकों के जरिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के जरिए रंजना राणा यहाँ पर मौजूद है, मशहूर टैरो कार्ड रीडर, जो आपको लगातार बता भी रही है और आपके हर एक सवाल का जवाब आगे भी देंगी। तो बिल्कुल मत चूकिए, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और सवाल पूछिए। हम तब तक 6 अंक वालों के लिए जान लेते हैं। ये आखिरी के जो नंबर्स हैं ना, काफी देरी में इनकी बारी आती है और लोग टीवी के उस पार बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। 6 अंक वालों के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य संबंधी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है कि ये अपना खान पान के पदार्थ में थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सुबह शाम टहलने जाएं और योगा और मेडिटेशन करें और एक पॉजिटिव आउटलुक रखें, ताकि इनकी जो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम है वो इनकी ठीक रहें। इनको हरी इलायची का दान करना चाहिए आज का दिन। इनका जो आज का रंग है वो है फिरोजी और इनका जो लकी अंक है वो है नंबर 7। चले, हरी इलायची के दान से मतलब किस तरह की उन्हें कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी या? बिल्कुल, हरी इलायची जो है वो गणेश जी से कनेक्टेड होती है, उनकी हरी इलायची का दान करने से जो भी ऑब्स्टिकल्स बाधाएं हैं वो दूर होती है। तो बिल्कुल इसको एक बार आजमा के देखिए, जरूर आपको इससे लाभ पहुंचेगा, और अगर जबरदस्त लाभ पहुंचे तो फिर फोन करके जो झिझक है वो आपकी हट जाएगी, और सवाल पूछिए जिस भी तरह का सवाल आपके मन में है। हम अंकों के जरिए आगे बढ़ेंगे, आपके फोन कॉल्स का इंतजार भी है हमें, फोन करते रहिए। लेकिन फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फोन लाइन्स खुली हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराए मोटर स्टार्टर। द वेट फॉर ग्लोबल एजुकेशन इन सिरसा इज फाइनली ओवर। MDLR ग्रुप प्रेजेंट्स MDK इंटरनेशनल स्कूल, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library and our spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call... सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो
या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के साथ। स्वाद कर दे दीवारा श्रीनंदन, सेहत का है खजाना श्रीनंदन, शुद्धता का है पैमाना श्रीनंदन, शुद्ध घी भरपूर सेहत भरपूर स्वाद श्रीनंदन शुद्ध देसी घी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे तीन दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्यों में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है किस्मत कनेक्शन में आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, ताकि आप एक बहुत ही बेहतरीन दिन की शुरुआत कर सके और पूरा दिन अच्छे से जीते हुए ना कि काटते हुए गुजारे निकाल सके। रंजना राणा टैरो कार्ड एक्सपर्ट है हमारे साथ, इनसे सवाल पूछिए। आपका कोई फोन आया उससे पहले मैं अंकों के जरिए आगे बढ़ना चाहूंगी। सात अंक वालों के लिए कितना शुभ दिन रहेगा, देखते हैं आपके टैरो कार्ड क्या कहते हैं। सात अंक वालों के लिए आज के दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, सब तरफ से भगवान का आशीर्वाद है उनके ऊपर। जो भी कार्य करने जाएंगे उनको डेफिनेटली उनके कार्य आज के सिद्ध होंगे, जो भी डिफिकल्ट कार्य हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, इसलिए बिल्कुल मत घबराएं और डेफिनेटली आप चलें और अपने कार्य क्षेत्र में जाके सफलता प्राप्त करें। आपका जो आज का लकी कलर है वो है मोव कलर और आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 8। चलिए तो नंबर 8 आपका लकी अंक है, इसका ध्यान रखिए। आप पूनम जुड़ी हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पूनम। हेलो मैम, बोलिए। हाँ जी मैम, मुझे अपनी सिस्टर के लिए जानना है कि उनकी मैरिज कब होगी। जरूर, डेट ऑफ बर्थ बताएं पूनम। हाँ जी 24 अक्टूबर 87। ठीक है 24 अक्टूबर 87। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं शादी को लेकर, अपनी बहन को लेकर सवाल काफी चिंतित हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली उनका जो है मैं तो ये देख सकती हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको बहुत ही अच्छा वर मिलेगा, उनको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, 2 लड्डू बेसन के लड्डू आप बृहस्पतिवार वाले दिन आप मंदिर में चढ़ाएं, डेफिनेटली ये है हम देख सकते हैं 2 महीने के अंदर अंदर। एंड ये भी हो सकते हैं कि कोई या तो IAS या कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड जॉब वाला जो पर्सन होगा वही आपकी बहन को मिलेगा, आप बिल्कुल फिक्र करना बंद करते हैं। चलिए तो सरकारी जॉब वाला मिलने जा रहा है, मुस्कुराहट आ गई होगी सुबह सुबह आज। अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, दिन अच्छा होने वाला है। सरोज है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग सरोज। मैम बोलिए। सर बोलिए मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/3/1981 है। मैम मेरी जॉब छूटी हुई है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करती थी और मैंने केस भी किया हुआ है। अब मुझे ये बता दीजिए आप मेरी जॉब कब तक मिल जाएगी, कोर्ट केस मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका केस इनके फेवर में आएगा नहीं और जॉब ये जानना चाहते हैं। ये देख सकते हैं हम जो कोर्ट केस है इनके फेवर में डेफिनेटली जाएगा और इनको जॉब भी जो है डेफिनेटली इनको 3 महीने के अंदर अंदर मिल सकती है। इनको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, आज के दिन से ही शुरू कर दें और इनको 2 रोटी और गुड़ गाय को देना शुरू कर दें एंड डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि इनको बहुत ही जल्द इनकी जॉब वापस मिलेगी और इनको जो इनका केस किया हुआ है उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होगी। सफलता मिलेगी तो नौकरी भी मिलने जा रही है और केस में सफलता भी, तो खुश हो जाइए। भावना हमारे साथ जुड़ गए हैं, भावना नमस्कार। नमस्कार मैम, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ, अभी अभी मैंने 12th के एग्जाम दिए हैं। अगर मैं आगे मेडिकल लाइन में जाती हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर रहेगा उसमें और क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आगे? डेट ऑफ बर्थ बताइए भावना। 19 दिसंबर 1998। ठीक है 1998।
मेडिकल सेक्टर चुनना चाहिए क्या इन्हें? इनको मेडिकल सेक्टर डेफिनेटली चुनना चाहिए, इनको पूरा भगवान का आशीर्वाद है और इनका माइंड भी जो है बहुत क्लियर है, बहुत हार्डवर्किंग है एंड डेफिनेटली इनको मेडिकल क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इनको डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि इनको गायनी की में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए और इनका जो ये इनके मन में इनका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा होगा और इनको इसमें ट्राई करना चाहिए। गणेश जी की पूजा रोज करना शुरू कर दीजिए, उससे आपको और भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जुड़ते रहिए, हालांकि समय कम है, अंक भी हमारे पास अभी दो बचे हुए हैं, तो तब तक हम अंकों के जरिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी कोई दर्शक है नहीं हमारे साथ, वैसे में देख लेते हैं आठ अंक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। रंजना, हाँ जी, आठ अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं ट्रैवल के प्लान्स बना रहे हैं और जिस जहाँ पे भी ये ट्रैवल करने जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये धार्मिक जगह भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इनको बहुत सफलता मिलेगी और जहाँ पे भी ये जाएंगे इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज के दिन ये प्लान बनाएं और उस तरफ जाएंगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। बिल्कुल, एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिला दें, इस कार्यक्रम में ये आखिरी चंद मिनट है, तो अगर कोई भी सवाल है तो जरूर मौका मत चूकिए, फोन कीजिए और सवाल पूछिए, जवाब लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे तरह से अपने दिन को प्लान करके चल पाएंगे आप, अच्छे से गुजर जाएगा बहुत ही स्मूथ तरीके से और कई परेशानियों से निजात भी आपको मिल सकती है। लेकिन कब? तब जब आप हमें फोन में लाएंगे और सवाल पूछेंगे। पूजा हमारे साथ जुड़ी है, नमस्कार पूजा। पूजा जी, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए अगर फोन पर सुन रही हैं तो। बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, हमें अपने भाई के लिए पूछना है। जी सवाल बोलिए, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, हमें अपने भाई के लिए पूछना है, उनकी शादी नहीं हो रही है। चलिए, शादी नहीं हो रही है, फोन कट गया, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ भी पूछते। चलिए पूजा, आपका सवाल कि भाई की शादी नहीं हो रही है, बिल्कुल हम देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पूजा, आपके भाई की शादी में थोड़ा सा विलंब है, अभी वो अगले साल फरवरी के महीने में होने के चांसेस हैं उसके लिए, एंड जो भी लड़की मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लड़की मिलेगी, इसे बिल्कुल भी आप घबराएं मत। और शुक्रवार वाले दिन आप डेफिनेटली खोए की बर्फी का दान करना शुरू कर दें एंड आपके भाई की शादी फरवरी महीने में संपन्न अवश्य होगी, एक अच्छी प्रोफेशनली क्वालिफाइड अच्छी लड़की के साथ। चलिए तो बिल्कुल खुश हो जाइए और खोए की बर्फी दान तो कीजिए, लेकिन इस खुशखबरी के चक्कर में पूरी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर इस बर्फी को एंजॉय भी कीजिए, खाइए भी। नौ अंक वाले, जिनकी बारी सबसे आखिर में आती है, अब उनकी बारी है, तो आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे अपनी बारी का, सुनिए कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। इसमें देख सकते हैं जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, उनकी उनको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होने वाली है, जितनी भी उनके कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं वो भी जल्दी ठीक होने वाली है, इनके जो आर्थिक मामले हैं वो भी ठीक होने वाले हैं। तो डेफिनेटली नौ नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा, इनके लिए जो इनका लकी रंग है वो है ऑरेंज और इनका जो लकी अंक है वो है नंबर 3। चलिए तो आपने अपना लकी अंक और लकी नंबर भी जान लिया, ढेरों दर्शक भी हमारे साथ जुड़े। हाँ, ये आखिरी जो लम्हे थे इनमें भी हमने काफी कोशिश की आपको बताने के लिए, तो जो भी हमारे साथ जुड़े बहुत शुक्रिया, हम फिर आते रहेंगे और आपके हर एक सवाल हर एक समस्या का समाधान और जवाब लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक हमारे साथ ऐसे खास मेहमान है। रंजना जी बहुत शुक्रिया, आप हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ हमें भी जानने और सीखने को मिला आपसे। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना ही, नमस्कार।